गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली मैं रिव्यू देने में अपना यार मतलब डिले हो गया मेरा यार, थिएटर की कवरेज और फैंस का रिस्पॉन्स क्रेजी, मतलब क्या चल रहा था, मतलब कुछ सीन तो मुझे बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिए यार, तो मैं क्या यार क्या चल रहा है। बट एनीवेज अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए आपको मूवी देखनी चाहिए पैसे खर्च करके या नहीं उस पर रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो मेरा रिव्यू प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस से होता है, व्यू पॉइंट से, मैं ये नहीं कहता गलतियां नहीं ढूंढनी है, वो नहीं ढूंढना, प्लस माइनस जो होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि आपको मूवी पैसा खर्च करके आपका पैसा वसूल होगा या नहीं। यार स्टोरी जो है ये मोटा मोटा वही है कि पाकिस्तान जो इमरान हाशमी है वो आर्मी के वहां के होते हैं पाकिस्तान के, और वो इंडिया पे बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे होते हैं, उसके लिए उनको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना होता है मोटा मोटा। और टाइगर को ये मिशन मिला जाता है कि उनकी डेमोक्रेसी को सेव करना है, राइट टू स्टॉप अटैक अगेंस्ट इंडिया, तो ठीक है ये होता है। और उसके पैरेलल स्टोरीज भी हैं, इंटरनल स्टोरीज भी हैं कि इमरान हाशमी का बैकग्राउंड दिखाया है, फिर कुछ वो टाइगर कैसे करता है, इमरान हाशमी को कैसे ब्लैकमेल करता है, फैमिली इश्यूज कैसे आते हैं, वो सब चीजें आप देख रहे होंगे। बट स्टोरी में यार एक प्रॉब्लम जो मुझे ये लगी ना कि आप इंडिया के जो अटैक की बात हो रही थी वो कॉन्टेक्स्ट इंडिया तक तो आया ही नहीं कभी, मतलब इंडिया के लोगों का डर नहीं दिखाया, इंडिया के मिनिस्टर्स का वो नहीं आया, इंडिया ऑफिशियल्स में कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाया, मोर और लेस मोर ऑन अ पाकिस्तान रिलेटेड चीज कि भाई हमें पाकिस्तान में जाके चीजें ठीक करनी है, मतलब मोटा मोटा वो डेमोक्रेसी वर्सेस उनका जो आर्मी रूल होता है ना, तो वो ये बोला कि आर्मी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनको क्यों किल कर रहे हो, डेमोक्रेटिक जो है सोच के वो थोड़ा पीसफुल है, आर्मी वाले थोड़ा सा मतलब थोड़ा जोशीले हैं और लड़ाई झगड़े में रहते हैं, उसमें से भी कुछ एक दो, तो वो रोल प्ले किया इमरान हाशमी ने। बट स्टोरी आई थिंक अच्छी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, अच्छी है स्टोरी, बट नॉट बैड ऑल्सो, बट थोड़ा सा उसको वेल और एग्जीक्यूट किया जा सकता था। अब ये स्टोरी थोड़ा सा और कैसी होती भाई, एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स है गाइस, और कुछ एक एक्शन सीन्स तो बहुत ज्यादा वेल एग्जीक्यूटेड है, बट एट दी सेम टाइम कुछ कई बार ओवर द टॉप लगता है जब आप मूवी देख रहे होते हो, कई एक्शन सीन ऐसा लगता है यार अभी ठीक है इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा अब थोड़ा स्टोरी की तरफ लेके जाओ और थोड़ा और ड्रामा को क्रिएट करो, ट्विस्ट एंड टर्न कोई मेजर नहीं है। एक्शन सीन्स कटरीना और वो जो मॉडल होती है, जब मैं मॉडल बोल रहा हूँ चाइना से रिलेटेड कुछ बंदी दिखाई है, क्या लगी है भाई दोनों, बम यार, हॉट सेक्सी कुछ भी गो, व्हाट अ फैंटास्टिक सीन, सीन ऑफ द ईयर। सेकंड पठान एंट्री, हाईलाइट ऑफ द टाइगर पठान एंट्री, कुछ लोगों को लगेगा वो बड़ा लंबा सीन है बट भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा, पीपल वर क्रेजी, थिएटर वो स्टेडियम गाइस, वो जो पैराशूट वाला सीन होता है पठान का यार, इट वाज एन अमेजिंग। हालांकि सलमान खान जब थोड़ा जेल से बाहर आ गए होते हैं तो पठान उसके बाद आता है, मगर फिर भी इंपैक्टफुल सीन है और काफी ज्यादा पिक करके गया मूवी को सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ी स्लो इन द सेंस की 3 स्टार एवरेज टाइप ऑफ लग रही थी, बट जो स्टोरी ने मेन पिक किया वो सेकंड हाफ में किया। सेकंड हाफ में कुछ कैरेक्टर्स आपको माइनस होते हुए भी दिखेंगे, सब्ट्रैक्ट होते दिखेंगे, ऑब्वियसली वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स में यार कुछ कुछ चीजें हमें पीछे छोड़नी पड़ती है, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं मूवी में देखना। परफॉर्मेंस वाइज क्लासी इमरान हाशमी, क्लासी यार, मतलब जिम और ये कंप्लीटली ऑपोजिट है, ही वाज स्टाइलिश, ही इज क्लासी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है इमरान हाशमी ने, रोल भी इनका अच्छा खासा है, कैटरीना का रोल भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से फाइट सीक्वेंस दिखाई है, एक सलमान और कैटरीना की फाइट सीक्वेंस है तो वो बहुत बड़ा इमोशनल और बड़ा रोमांटिक टाइप सी है, वो देखना। तो सलमान खान भाईजान को फाइनली जिस रोल में लोग देखना चाहते हैं उसी रोल में वो उनको दिखेंगे, अनलाइक जो उनकी प्रीवियस मूवीज चल रही थी, सलमान खान के ऊपर ये रोल काफी सूट करता है मेरी तरफ से। सलमान खान इन इस रोल में इसी टाइप के रोल पकड़ो माचो वाले जो आपको सूट करते हैं। तो अब आपको यार देखो बीजीएम बहुत बढ़िया लगा मुझे, बीजीएम में कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत जबरदस्त आप फ्लो विद द फ्लो होगा, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस जो चल रहे होते हैं उसके हिसाब से बीजीएम है। अब देखो यार शॉर्ट में मैं आपको बताऊं मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, यार मूवी ये मूवी अगर नहीं देखनी तो मत देखना, मतलब मैं फैन वॉर के ऊपर नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है बहुत फैंस वगैरह वो कर रहे हैं, बट अगर ये मूवी आपको देखनी चाहिए और सिर्फ हॉल में देखनी चाहिए, ये मूवी छोड़ोगे तो फिर तुम हॉल में देखोगे क्या यार, मतलब सारी ओटीटी में ओटीटी वाली नहीं है भाई, इसको डाउनलोड करके भी मत देखना, बढ़िया स्क्रीन पे देखना, एक्शन सीन्स ह्यूज है यार, ह्यूज एक्शन सीक्वेंस है, कुछ एक माइनस है मूवीज के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मूवी पूरी तरह परफेक्ट है, बट गाइज 3.5 स्टार वाली मूवी है, इसको आप विद फैमिली आराम से जाके दे सकते हो, एंटरटेन जरूर होकर आओगे, मैं बोल रहा हूँ आप अंदर गए और बाहर है ना आपको एक बारी भी ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा खराब हो गया, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बोल सकता हूँ ये मूवी शुड बी वॉच्ड इन थिएटर्स, दैट्स इट। अब आप उसको 3 स्टार दो, 3.5 स्टार दो, फैंस 4 दे दें, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका पैसा पूरा वसूल होगा, यू विल फील भाई व्हाट अ एक्सपीरियंस, मजा आ गया, मतलब कुछ तो देख कर आए हैं, ठीक है मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी, मुझे थोड़ा सा वो माइनस लगा, मुझे ये लगा कैमियोज ऋतिक रोशन के भी हैं, हूटिंग वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस कम करके ड्रामा को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, स्क्रीन प्ले को
थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। ट्विस्ट एंड टर्न मुझे थोड़ा सा कम लगे मूवीज के अंदर। मूवी के अंदर डायरेक्शन ठीक थी, ओके थी, पहली बार की है मनीष शर्मा ने एक्शन मूवी डायरेक्ट, तो ठीक थी, ओके रिपोर्ट थी, बट ओवरऑल अ वेरी गुड स्टेप इन वायरस बायनिवर्स। थम्स अप फ्रॉम माय साइड, 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। देखने जरूर जाना, फैन वॉर के चक्कर में मत पड़ना, किसी और फैक्टर को बीच में मत लाना, मूवी को थिएटर में ही देखना। टेक केयर, बाय बाय।